तोड़ दी आज तुमने। महाराज जी कहां जा रहे हैं? आदरणीय उद्घोषक महोदय, हम निवेदन कर रहे हैं, कृपया मंच पर पधारे आप। ओ हर कसम तोड़ दी आज तुमने, और मां दे भी बुलाए आज तुमने। हम तुमको प्रेम पाता इल्जाम नहीं देंगे, हम तुमको प्रेम पाता इल्जाम नहीं देंगे, हम कल से मोहब्बत का भैया। आदरणीय जख्मी जी, आपकी लाइनें जब आपने शुरू किया गीत, तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइनें बोल रही थी, जाने माने कलाकार तुम हो, हमसे ज्ञाता समझदार तुम हो, ये मनोकामना हमारी ना कामना करोगे, आशा है नाम अपना पदनाम ना करोगे, ये लेकिन भैया राम कुमार जी, हाँ आप कह रहे हैं जाने माने कलाकार तुम हो, बिल्कुल हमसे ज्ञाता समझदार तुम हो, लेकिन सुनिएगा, सुनिए आदरणीय पंडित जी, राम कुमार भैया ना पूरी अगर लाइन अच्छी लग जाए राम कुमार भैया, तो रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं ना, अपने भाई को हृदय से दुआ दे देना। हाँ जय हो। ना गुणी ना ही ज्ञानवान हम है, ना गुणी ना ही ज्ञानवान हम है पता सबको नादान हम है, ये वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ना गुणी ना ही ज्ञानवान हम है पता सबको नादान हम है, ये लेकिन लेकिन अपना मान आपको सम्मान हम करेंगे, वामनो
ध्यान थल खदी का गुणगान हम करें। ये भैया परगैना वाले आदरणीय भैया श्री लालता राजपूत जी एक से एक मुद्राएं केवल इन पंक्तियों पर प्रदान कर रहे हैं। है पता सबको नादान हमें, बिल्कुल जय हो। प्रणाम कर रहा हूं आदरणीय भाई साहब को, आशीर्वाद चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री द्वारिका प्रसाद राजपूत जी लड़ावड़ा दस्तावेज लेखक मौठ आपकी ओर से एक से एक मुद्राएं प्रदत्त है। आदरणीय द्वारिका प्रसाद जी को प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रहा हूं। और हमारे श्री राम कुमार वर्मा साहब प्रधान जी गढ़ू का आपकी ओर से एक से एक मुद्राएं इस जवाब की पंक्तियों पर है। जय जय, हृदय से धन्यवाद है उनको। क्या बात है, क्या बात है, क्या भाई साहब इधर देखो। हाँ भाई साहब, भाई सौ रुपए हमारे पिताजी की ओर से आए हैं। हाँ जय हो। वाह क्या बात है, क्योंकि पिता पिता होता है। हाँ पिता पिता होता है, पिता पुत्र को जख्म नहीं दे सकता है। हाँ आप भले ही जख्मी हैं, बिल्कुल, लेकिन पिता तो पिता है। हमारे आदरणीय राम कुमार भैया जी के पिता श्री माननीय श्री दादा श्री हरनाम सिंह जी मास्टर साहब 101 मुद्राएं इस नादान के लिए प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं पिताजी के श्री चरणों में नमन कर रहा हूं। हां जय जय, यही मेहनत का फल है। क्या बात है, नाजुक भाई साहब आप पधारिए, अभी हम जा नहीं रहे हैं, अभी 400 रुपए आपके वापस करके जाएंगे। जय हे ना गुणी ना ही ज्ञानवान हम है पता सबको ना दान हम है। ये अपना मान आपको सम्मान हम करेंगे, ये ध्यान धर हरि का गुणगान आप कुछ बातें लाए हो उसमें कला 16 कला 12 कला बदला नहीं रंग है, त्रेता और द्वापर को लेकर के चल रहा हूं। हां बिल्कुल बिल्कुल। करके मन अपने भगवान, करके मन अपने अनुमान आ गए संग लेके अपने वो अनुमान आ गए। बड़े छोटे हो गए, छोटे बड़े हो गए, बिल्कुल। और इधर अगर सेवा की है हनुमान जी ने, भगवान श्री राम के चरण दबाए, तो उधर भगवान आज वो भाव लिए हैं। क्यों? क्योंकि
हनुमान आज कन्हैया जी को बांसुरी क्यों प्यारी है? क्यों? क्योंकि एक कथानक आता है तो भगवान श्री राम जब कन्हैया बनकर के आए तो हनुमान जी बांसुरी बनकर के आए। इधर अगर चरण दबाए हैं तो उधर भी अपनी अंगुलियों से समझो क्या जय देते देते अपने को सम्मान हवे देते अपने को सम्मान हवे है पता सबको नादान हवे अपना मान आपको अपना मान आपको सम्मान हम करेंगे ये ध्यान धार हरि का गुणगान हम आदरणीय भैया जी कलाएं आप बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें समानता देखिए आप त्रेता में और द्वापर में। लख कला को कलाकार हर साल है लख कला को कलाकार हर सा रहे। मैं कलाओं की बात कर रहा हूं बिल्कुल क्योंकि आपने एक कलाकार से शुरू किया है और उन कलाओं तक पहुंच गए आप। हाँ क्या बात है चाटी बढ़ा दे हर सा रहे रूप दोनों युगों में वो दर्शा रहे क्यों अगर त्रेता में है तो द्वापर का और द्वापर में है तो त्रेता का कैसे कैसे एक बार जब नांग फांस से मुक्त कर दिया गरुण ने भगवान श्री राम ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं मांगो क्या चाहिए। कहा प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वो रूप दिखा दीजिए वो रूप दिखाइए जो द्वापर में आप रखने वाले हैं। वो कृष्ण का रूप मुझे दिखा दीजिए बस मेरी इच्छा है। भगवान राम ने कहा मैं वो रूप तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैं वो रूप बनाऊंगा तो ना जाने कौन कौन वो रूप देख लेगा। हाँ बिल्कुल जय गरुण जी ने कहा प्रभु आप इसकी चिंता ना करें और गरुण जी ने अपने दोनों पंख फैलाए और भगवान राम को ढक लिया। वाह कहा प्रभु अब कोई नहीं देख पाएगा आप वो रूप दिखा दीजिए। जय हो तब भगवान राम ने वो द्वापर वाला रूप गरुण को दिखाया त्रेता युग में। हाँ वाह और द्वापर में तो ना जाने कितने उदाहरण हैं बहुत सारे कितने हैं। अरे सतभामा को रूप दिखाया जामवंत को रूप दिखाया बिल्कुल और इतना नहीं तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ। क्या बात है तुलसीदास जी भी ठान ठान गए कि मैं तभी शीश झुकाऊंगा जब इस मुरली को त्याग करके धनुष बाण धारण कर लो। क्या बात और भगवान को भक्त के आगे झुकना पड़ता है बिल्कुल रूप दिखाना पड़ता है। रूप त्रेता में पाया अगर श्याम का ये तो रूप द्वापर में धारा है श्री राम का ये क्या लगा पाए अनुमान हम है। अरे बाबूलाल नादान की औकात क्या है ना
क्या लगा पाए अनुमान हम है पता सबको नादान हम है। ये अपना समझ आपको सम्मान हम करेंगे ये ध्यान धर हरिया भोला मंडल संकीर्तन पार्टी श्रोणा जय हो। राम बाबू डॉक्टर साहब ये संकीर्तन पार्टी की ओर से मंडल की ओर से मंडल के लिए आशीर्वाद आया है। मंडल के सभी भाइयों को मैं अपनी ओर से नमन कर रहा हूं। जय हो जय हो। प्रणाम है हमारी ओर से आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ध्यान उधार हरि का गुणगान हम करेंगे।